हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ गुलशन कुमार। आज हम लोग जो बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है बीएमआई। अभी ये बीएमआई निकालना जरूरी है या जरूरी नहीं है, ये बीएमआई क्यों निकाला जाता है, ये बीएमआई कब निकाला जाता है, ये बीएमआई निकालने से प्रॉफिट क्या है या लॉस क्या है, ये सब चीज के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत लोग मेरे से एग्री नहीं होंगे कि बीएमआई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग बोलते हैं यार तुम फिजिकली फिट दिखोगे, अच्छे दिखोगे तो वो कुछ दिख जाता है, मगर आप अपने आप को कितना ट्रैक कर पा रहे हो, आपके बॉडी में कितना मसल मास है, आपके बॉडी में कितना फैट परसेंटेज है, ये सब चीज आपको देखने से समझ में नहीं आता है। देखा जाए तो बीएमआई जो मशीन है ये 100% करेक्ट नहीं होता है, इसीलिए ये जो बीएमआई टॉपिक है ये लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि ये 100% करेक्ट नहीं होता है, तो इस टॉपिक पे मतलब टाइम देना वेस्ट ऑफ टाइम है। मगर मेरे हिसाब से आप मेरे पे ट्रस्ट करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो बीएमआई मशीन है आपके बॉडी के जो फैट परसेंटेज है, मसल मास है, ये सबको कैलकुलेट जो करता है, जितना भी परसेंटेज कैलकुलेट करता है, मान के चलो कि बीएमआई का मशीन 50% करेक्ट होता है और 50% रॉन्ग होता है, तो एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं कि मान के चलो आज आपने बीएमआई निकाला और उसमें आपका मसल मास बताया 38, आपका बॉडी फैट परसेंटेज बताया 20, जब आप 2 महीने के बाद वापस बीएमआई निकालोगे तो उसमें आपका मान के चलो कि बॉडी फैट परसेंटेज बता रहा है 15 और मसल मास बता रहा है 41 2 महीने के बाद, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका जो परसेंटेज रेशियो करेक्ट है आपके बीएमआई मशीन में, उसी बेसिस पे आप ट्रैक कर सकते हो अपना बॉडी मास, उसी बेसिस पे आप अपना बीएमआई को ट्रैक कर सकते हो। ये अभी मान के चलो कि वो तो 50% जो बीएमआई मशीन है आपको जो करेक्ट दिखा रहा है वो इस टाइम भी 50% दिखाएगा और नेक्स्ट टाइम भी आपको 50% ही करेक्ट दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इस टाइम आपको 50% करेक्ट दिखाया तो नेक्स्ट टाइम वो 100% करेक्ट दिखाएगा या 90% करेक्ट दिखाएगा, ऐसा नहीं है, सेम एवरेज में आपको वो करेक्ट दिखाएगा। तो जो भी परसेंटेज है करेक्ट बीएमआई मशीन का, उस परसेंटेज करेक्ट परसेंटेज के बेसिस पे हम लोग अपना बीएमआई को ट्रैक कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं जो आपको एक्सप्लेन करूंगा बीएमआई पूरा चीज कैसे, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, क्या आप रूल और रेगुलेशन फॉलो कर सकते हो बीएमआई जब भी आप निकाल रहे हो। तो देखा जाए तो जो बीएमआई का जो मशीन है आजकल हर एक जिम में अवेलेबल है और इन बॉडी का आजकल ज्यादा चलता है बीएमआई मशीन, जो आप देखोगे ऑलमोस्ट सब जिम में रहता है। तो जो इन बॉडी का जो बीएमआई मशीन होता है तो उसका कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं, वो फॉलो करना चाहिए कभी भी बीएमआई निकालने से पहले। तो वो सब रूल और रेगुलेशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या रूल है जो आपको फॉलो करना चाहिए कभी भी बीएमआई निकालने से पहले। उससे पहले मैं आपको अपना बीएमआई दिखाऊंगा और उस बीएमआई से आपको मैं आइडिया दूंगा कि आप बीएमआई जब भी आप निकालते तो उसको आप कैसे स्टडी कर सकते हो, कैसे आप पता कर सकते हो कि मैं गलत जा रहा हूं या सही जा रहा हूं या मैं सही ट्रैक कर पा रहा हूं। तो अभी ये बीएमआई आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, तो आपको सबसे पहले आपको देखिए वहां पे हाइट, एज, जेंडर, टेस्ट टाइम, डेट, ये सब आपको दिख रहा होगा, आईडी, तो वहां पे आईडी में आप अपना फोन नंबर भी कोई दे देते हैं, कोई अपना नाम दे देता है या कोई जिम वाले कुछ आईडी सब अपने क्लाइंट को देते, तो वो आईडी वहां पे मेंशन रहता है। अभी जब भी आप इन बॉडी का, आप इन बॉडी से बीएमआई निकालने अब जाओगे तो सबसे पहले आप एक प्रॉपर हाइट कैलकुलेट कर लेना कि आपकी हाइट क्या है, वो हाइट वहां पे मेंशन करना पड़ता है। तो आप जैसे ही हाइट मेंशन करेंगे तो उस हिसाब से फिर प्रोसेस करता है। तो सबसे फर्स्ट आपका हाइट है वो आप करेक्ट डालना, उसके बाद आपसे वो जब हाइट आप डाल दोगे एज मांगेगा, आपका वेट मांगेगा, तो वेट जब आप इन बॉडी के जो मशीन पे आप निकालने जाओगे तो वेट वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा, वो आपको वेट बाहर से कैलकुलेट करके आपको नहीं जाना है। उसके बाद बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस है, जो ये जो बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस है इसको सिर्फ आप स्टडी करो कि टोटल बॉडी वाटर क्या है, 49.4 है मेरा, देखिए दिखा रहा है, फिर प्रोटीन क्या है 13.5 है, मतलब मेरा, और वहां पे देखिए एक एवरेज भी दिया हुआ कि कितना से कितना होना चाहिए, 10.3 से 12.5 के बीच में होना चाहिए, मेरा 13.5 है, थोड़ा सा ज्यादा है। अभी देखिए मिनरल बता रहा है कि मिनरल आपका कितना होना चाहिए बॉडी में, बॉडी फैट मास कितना है आपके बॉडी में, कि मैं ये सब केजी में देखिए वहां पे बता रहा है, फिर आपका टोटल वेट क्या है मेरा 75.7 बता रहा है। अभी ये तो सिर्फ आपको कंपोजिशन देखना है, इससे आपको कुछ भी डिसाइड नहीं करना कि कैसे डाइट करना है, कैसे आपको वर्कआउट करना है, क्या आपका टारगेट है, इस बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस से कुछ भी आपको ऐसे
टारगेट नहीं बनाना। फिर नीचे आप देखोगे तो मसल फैट एनालिसिस है, तो वेट आपको सेम 75.7 बता रहा। इसमें देखिए जो है मेन चीज जो दिखाता है वो है स्केलेटल मसल मास, ये मेरा दिखा रहा 38.7। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको देखना कि आपका मसल स्केलेटल मसल मास कितना है। मेरा 38.7 है, आप अपना कैलकुलेट करो और आपका देखो कि कितना है। रिपोर्ट देखने के बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि मैं अपना मसल मास और इंक्रीज करूं, 40 लेके जाऊं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे मेरा बॉडी फैट मास दिखा रहा है 8.4, ये भी केजी में है। तो जो टोटल वेट है आपका 75.7 मेरा जो वेट है उसमें 38.7 मेरा मसल मास है और बॉडी फैट परसेंटेज 8.4 है। तो मेरा टारगेट क्या रहेगा नेक्स्ट कि मेरा मसल मास इंक्रीज हो, मैं नेक्स्ट टारगेट सेट करूंगा कि मेरा मसल मास 40 तक कम से कम पहुंचे और मेरा जो बॉडी फैट परसेंटेज है 8.4 वो मैं 8 तक ले जाऊं या 7.5 ले जाऊं, ये मेरा टारगेट रहेगा, इसको मुझे अचीव करना है। नेक्स्ट आप देखोगे ओबेसिटी एनालिसिस है, तो इसमें आपका परसेंटेज बॉडी फैट बताता है, आपका बॉडी मास इंडेक्स बताता है जो 24.4 है। एक्चुअली देखा जाए तो बॉडी मास इंडेक्स जो आपका इसमें दिखाता है वो अभी मेरा 24.4 दिखा रहा है जो नॉर्मल है। बहुत लोगों का मसल मास बॉडी में इतना ज्यादा होता है कि वो लोग का बॉडी मास इंडेक्स ओवर दिखाता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो ओबेसिटी में आते हैं, मान के चलो जिसके बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है और वो ओवर में आते हैं तो उसका बॉडी मास इंडेक्स को उसको रिड्यूस करना होता है। मगर कोई एक बहुत बड़ा बिल्डर है जिसके बॉडी में बहुत ज्यादा मसल मास भरा पड़ा है और उसका वेट ज्यादा है, उसके हाइट के मुकाबले उसका वेट ज्यादा है क्योंकि मसल मास ज्यादा है, तो उसका बीएमआई ऑब्वियसली ज्यादा दिखाएगा। तो उससे बॉडी बिल्डर लोगों को उससे कोई भी मतलब नहीं होता है, बीएमआई से कोई भी मतलब नहीं होता है। फिर यहां पे आपको नीचे आप जाओगे तो दिखेगा सेगमेंट लीन एनालिसिस, सेगमेंटल फैट एनालिसिस, ये सब बताता है कि आपके बॉडी में कितना मतलब लीन मास किधर ज्यादा कम या इक्वल है, कितना परसेंटेज में है। फैट दिखाता है कि आपके बॉडी में फैट ज्यादा किधर है, जैसे मेरा बॉडी में टोटल फैट 8.4 है तो उसमें दिखा रहा है कि अपर में आपका 0.1 kg है, आप लेफ्ट में या राइट में भी 0.1 kg है। मेरा जो मिड पोर्शन है यहां पे ज्यादा है 4.4 kg है, लेग्स में मेरा फैट ज्यादा है 1.2 kg है। तो ये चीज आपको बताता है एवरेज की आपका बॉडी फैट परसेंटेज किधर ज्यादा है और किधर कम है। इससे भी कोई भी चीज आपको एनालाइज नहीं करना, इससे भी कोई चीज आपको टारगेट सेट नहीं करना। नेक्स्ट आता है बॉडी कंपोजिशन हिस्ट्री, यहां पे आपका मेन पॉइंट आता है। यहां पर वेट 75.7 है, मेरा स्केलेटल मास मसल 38.7 है और बॉडी परसेंटेज जो फैट है वो 11.1 है। तो ये मेरा मेन है। अभी यहां पर मेरा ग्राफ बनता है, मतलब जो ग्राफ होता है वो ग्राफ यहां पे मेरा दिखाता है। तो आपको मैं दूसरा एक बीएमआई दिखाता हूं, तो ये देखिए ये जो बीएमआई है इसमें देखिए नेक्स्ट वाला आपको दिखा रहा है कि कैसे आपका वेट कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, आपका मसल मास गिरा है कि बढ़ा है, आपका परसेंटेज जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो आपका कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है। तो ये चीज होता है जो हम लोग ट्रैक करते हैं टाइम टू टाइम। अभी मेरा जो टारगेट है, मान के चलो एक महीने का मैंने टारगेट सेट किया या दो महीने का मैंने टारगेट सेट किया या तीन महीने का मैंने टारगेट सेट किया, एक एग्जांपल से मान के चलो मैंने तीन महीने का टारगेट सेट किया, तो मैं इसी डेट को, मैं मतलब ये सेवेंथ मंथ का मेरा बीएमआई है तो मैं 8, 9, 10 मतलब मैं 10वां महीना में 16 तारीख को नेक्स्ट बीएमआई मैं करूंगा और मैं देखूंगा कि मेरा जो तीन महीने के टारगेट्स थे वो टारगेट्स में मैंने कितना अचीव किया कि लॉस किया, क्या हुआ। तो यहां पे आपका वो धीरे 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 ग्राफ बन जाएगा और अपने बॉडी को आप ट्रैक कर पाओ। ये हो गया आपका मतलब ऑलमोस्ट 50-70% आपका बीएमआई स्टडी हो गया कि कैसे बीएमआई आपको स्टडी करना। नेक्स्ट आप राइट हैंड साइड में आप आओगे तो देखोगे कि आपका पॉइंट्स बताता है इन बॉडी स्कोर 100 पॉइंट्स में 89 है, तो इट्स गुड, खराब नहीं है। किसी किसी का तो 102 104 105 भी दिखता, 100 पॉइंट्स में भी ओवर पॉइंट्स दिखते हैं, ज्यादा दिखते हैं, मतलब 100 पॉइंट्स में 104 105 पॉइंट तक लोग चले जाते हैं, 10 तक भी चले जाते हैं। अभी हम लोग नीचे देख रहे हैं तो यहां पे देखो दिख रहा है बेसल मेटाबॉलिक रेट। अभी मेरा बेसल मेटाबॉलिक रेट है 1824 किलो कैलोरी। अब मेरा वहां पे देखो आप बगल में रेंज भी दिया हुआ है, 1621 से लेके 1899 के बीच में मेरा मेटाबॉलिक रेट होना चाहिए, तो मेरा गुड है, अच्छा है, 1824 है तो इज गुड।
तो जिसका फैट परसेंटेज ज्यादा होता है उसका मेटाबॉलिक रेट कम होता है। इसका मतलब कि मेटाबॉलिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फैट। फैट ज्यादा रहेगा तो मेटाबॉलिक रेट कम रहेगा, मसल मास ज्यादा रहेगा तो मेटाबॉलिक रेट भी अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मसल मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटाबॉलिक रेट। तो मेटाबॉलिक रेट आपको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है और ज्यादा अच्छा करना है तो आपके बॉडी में मसल मास इंक्रीज करना पड़ेगा, फैट परसेंटेज को लेस करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बीएमआई के रिपोर्ट में। सेकंड में आप देखो वहां पे दिया हुआ है रिकमेंडेड कैलोरीज इनटेक। जो भी बॉडी फैट परसेंटेज, जो भी आपका मेटाबॉलिक रेट, आपके मसल मास, ये सब चीज को देख के एक इन बॉडी का जो मशीन है वो एक एवरेज आपको एक रिकमेंडेड कैलोरी देता है, वो है मेरा 2758। मतलब मुझे अपना ये बॉडी को मेंटेन रखना है तो इसके अराउंड आपको कैलोरीज आपको इंटेक करते रहना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि मान के चलो कि आपको फैट लॉस करना है और मसल को कांस्टेंट रखना है तो आपको कैलोरी डिफिशिएंट डाइट करना पड़ेगा। तो ये कैलोरी आपको पता चल गया कि 2758 किलो कैलोरीज मेरा मेंटेनेंस कैलोरी इंटेक है। तो अब क्या करोगे, कैलोरी डिफिशिएंट डाइट के लिए आप 500 टू 600 किलो कैलोरीज आप कम खाओगे। तो आप यहां से ट्रैक कर सकते हो कि अरे मुझे कैलोरी डिफिशिएंट डाइट करना है तो 2758 है तो मैं टोटल कैलोरी लूंगा 200 किलो कैलोरीज, इतना मैं इंटेक करूंगा कैलोरी डिफिशिएंट डाइट में। नहीं तो लोग क्या करते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि कितना कैलोरी इंटेक करना है, कैलोरी डिफिशिएंट डाइट करना तो उसमें मुझे कितना डिफिशिएंट रहना। लोग क्या करते हैं, अपने मन के और अपने हिसाब से कैलोरी कट कर देते हैं, कार्ब्स बंद कर देते हैं पूरा, प्रोटीन कम कर देते, प्रोटीन इंक्रीज कर देते, ये सब चीज करते हैं जो उनका वर्बली है। किसी को तुक्का लग गया तो अच्छा हो जाता, किसी का तुक्का नहीं लगा तो उसको रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, उसका मेटाबॉलिक रेट भी गिर जाता है, मसल मास भी गिर जाता है, फैट थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, ये भी होता है। इसीलिए वेट लॉस करना ये अच्छी बात नहीं है, फैट लॉस करना अच्छी बात है, मसल गेन करना अच्छी बात है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो रिकमेंडेड कैलोरी इंटेक है इसे आपको जरूर देखना। तो 2758 मेरा दिखा रहा, अब मुझे सरप्लस खाना है, मतलब मुझे मसल मास इंक्रीज करना है ज्यादा तो मुझे सरप्लस खाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 3200 किलो कैलोरीज करेंगे, उसमें मैं देख लूंगा कि मुझे प्रोटीन से कितना कैलोरीज लेना है, कार्ब से कितना कैलोरीज लेना है, मुझे फैट से कितना कैलोरीज लेना है, और मुझे कैलोरी डिफिशिएंट डाइट करना है, मुझे फैट और कम करना है, तो मैं सिर्फ 2000 से लेकर 2200 किलो कैलोरी खाऊंगा। उसमें भी मैं डिसाइड कर लूंगा कि मैं प्रोटीन से कितना कैलोरीज लेना है, फैट से कितना कैलोरीज लेना है और कार्ब से कितना कैलोरीज लेना है। तो ये सब चीज हमें डिसाइड कर सकते हैं ये रिकमेंडेड कैलोरीज इंटेक को देखने के बाद। उसके बाद नीचे देखिएगा तो एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, क्या कितना कैलोरीज आपको लॉस करना है एवरी डे, कितना यूज करना है, टोटल कैलोरी आपको कितना लॉस करना है, उस हिसाब से आप देखो नीचे एक्सरसाइजेस दिए हुए। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबको देखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये टोटल इन बॉडी का जो रिजल्ट है इसको इस टाइप से स्टडी किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट रूल एंड रेगुलेशन बीएमआई निकालने से पहले। तो फर्स्ट रूल है स्टे वेल हाइड्रेटेड, मतलब आप बीएमआई आपको कल निकालना है तो अब बहुत अच्छा आप हाइड्रेटेड रहो, पानी अच्छे से पियो, वाटर आपको इंटेक अच्छा रखना है। सेकेंड पॉइंट है डू नॉट हैव हेवी मील्स फॉर एटलीस्ट 2 आवर बिफोर द टेस्ट। देखा जाए मेरे हिसाब से जब भी आप अर्ली मॉर्निंग सो के उठते हो तो आप अपने जिम चले जाओ या जहां भी आप वर्कआउट करते हो, जो भी आपका फिटनेस कोचिंग सेंटर है वहां पे चले जाओ, वहां पे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के जाके पहले बीएमआई निकालो, फिर रिटर्न आ जाओ, जो भी आपका लाइफस्टाइल है उस हिसाब से आप कर लो, मगर अर्ली मॉर्निंग बीएमआई निकालो। एक रूल रखो कि इस टाइम पे मेरे को बीएमआई निकालना है और उस टाइम पे ही आपको हमेशा बीएमआई निकालना है। और जैसे आपने ये महीना बीएमआई निकाला जो रूटीन से, सेम रूटीन से आपको बीएमआई नेक्स्ट मंथ भी निकालना है या 2 महीने बाद या 3 महीने के बाद निकालना है, जैसे भी आपने डिसाइड किया है। तो एकदम आप जितना करेक्ट हो सकते उतना करेक्ट रहो। थर्ड है नो टी नो कॉफी नो स्मोकिंग एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर द टेस्ट, ठीक है। फोर्थ रूल है डू नॉट ड्रिंक वाटर एटलीस्ट 20 मिनट बिफोर टेस्ट। तो पानी पियो, बी हाइड्रेटेड, मगर टेस्ट कराने जब जा रहे हो तो उससे 20 मिनट पहले आप पानी मत पियो।
यूज वॉशरूम बिफोर द टेस्ट, देखा जाए तो इसमें जो काम करता है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है, बहुत माइनस इलेक्ट्रिक करंट होता है जो अपने बॉडी में पास होता है, और वो जो इलेक्ट्रिक करंट हल्का सा जो माइनस से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है हम लोग का बॉडी, वो ट्रैक करके बीएमआई को रिपोर्ट देता है कितना बॉडी फैट परसेंटेज है और कितना मसल मास है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ही एक ऐसा कंडक्टर होता है जो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर होता है। तो आपके बॉडी में क्या गुड कंडक्टर है, क्या बैड कंडक्टर है, कौन सा सिग्नल ट्रैप हो रहा है, कौन सा सिग्नल ट्रैप नहीं हो रहा, किधर ट्रैप हो रहा है, जिससे फैट देखा जाए तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, या अभी वाटर देखा जाए तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप अपना वॉशरूम, आप मतलब अपना फीट जो है उसको अच्छे से वॉश करके आओ, ड्राई मत रखो अपने फीट को, आपका बीएमआई का जो रिपोर्ट है वो आपका अच्छा निकलेगा, मतलब जितना करेक्ट निकलना चाहेगा उतना ज्यादा अच्छा, ज्यादा परसेंटेज में करेक्ट निकलेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि नो एक्सरसाइज बिफोर द टेस्ट। तो क्या होता है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज करके बीएमआई निकालोगे तो थोड़ा मैनिपुलेटेड बीएमआई निकलेगा, क्योंकि जब आप वर्कआउट करें तो बॉडी आपका डिहाइड्रेट हो रहा है, एनर्जी यूज हो रहा है, बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है वो ऊपर नीचे होने लगते हैं, आपकी बॉडी में वर्कआउट होता है तो ब्लड प्रेशर चेंज होने लगते हैं। तो इसीलिए कभी भी जो बीएमआई निकालना, कभी भी वर्कआउट के बाद नहीं निकालना है, हमेशा वर्कआउट से पहले निकालना। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अर्ली मॉर्निंग जाके बीएमआई निकाल लो। नेक्स्ट है, जो लास्ट पॉइंट है वो है नो अल्कोहल कंजम्पशन 48 आवर पीरियड ऑफ द टेस्ट। मतलब आपको कोई भी अल्कोहल का थोड़ा सा भी आपको नहीं पीना है 48 आवर टेस्ट से पहले तक। उसके बाद टेस्ट करा लिए, फिर बैठ के आपको जितना पीना है पियो, मगर टेस्ट नहीं, जब तक किए हैं आप टेस्ट कराने वाले हैं तो कम से कम मिनिमम 48 आवर्स तक आपको कोई भी अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना। तो ये एकदम सिंपल सा रूल है बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए। तो ये रूल को आप फॉलो करो, और ये रूल को फॉलो करके आप बीएमआई निकालो, टारगेट सेट करो, टारगेट सेट करने के बाद फिर बीएमआई निकालो, अपने बॉडी को ट्रैक करो, अपने बॉडी को समझो, बॉडी को टाइम टू टाइम आप ट्रैक करोगे तो आप मोटिवेटेड भी रहोगे और आगे और अच्छा से अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये पूरा बीएमआई का टॉपिक था जो मैं आपके साथ शेयर किया। एक्चुअली ये टॉपिक बनाने के पीछे रीजन ये था कि जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो टॉपिक में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसके कारण ही मुझे ये टॉपिक पहले बनाना पड़ा। तो प्लीज बी ट्यून्ड विथ मी, और नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मेरे साथ आप बने रहें। तो हम लोग जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।